सो आई गाइस, आज हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर Realme 11 Pro को अपने OnePlus 11 R से। और क्यों कंपेयर करेंगे, दोनों के अंदर कुछ यहाँ पर सिमिलरिटीज़ हैं और इसका प्राइस सेगमेंट भाई डिफरेंट है दोनों का। जो Realme का 11 Pro आता है, ये आता है भाई बजट प्रीमियम सेगमेंट में, काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है, डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, कर्व डिस्प्ले आती है इसके अंदर, साथ में इसका जो UI है ना बिल्कुल OnePlus के 11 जैसा ही है। सो OnePlus 11 मिलता है आपको मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में आता है, इसका प्राइस यहाँ पर 40K है और Realme 11 Pro का मिल जाता है आपको 24K। सो दोनों फोन्स के अंदर यहाँ पर 16,000 का आपको डिफरेंस देने को मिल जाता है। तो वही चेक करने वाले हैं कि आप अगर OnePlus 11 बाय चांस नहीं ले पा रहे हैं, बजट की वजह से 40,000 नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आपको क्या पता यहाँ पर Realme 11 Pro से काम चल जाए। तो दोनों ही फोन के अंदर कुछ यहाँ पर सिमिलरिटीज हैं, जैसे बात करें इसके यहाँ पर डिजाइन की, दोनों में आप यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा इन डिस्प्ले वाला। और वहीं आपके साइज की, तो साइज भी इसका सेम ही है, 6.7 इंच यहाँ पर दोनों में डिस्प्ले मिलती है। और वहीं बात करें इसके डिजाइन की, तो आपको यहाँ पर बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम देखने मिलेगा, Realme का UI मिल जाता है जबकि OnePlus के अंदर आपको Oxygen OS मिल जाता है, बट दोनों का जो प्लेटफॉर्म बिल्कुल यहाँ पर सेम है, तो आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल यहाँ पर सेम देखने मिलता है। दोनों के अंदर आपके यहाँ पर जो बैटरी है 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों फोन के अंदर आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा भी सेम है इसका 16 MP का दोनों फोन के अंदर। और साथ में जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, दोनों फोन का आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों फोन यहाँ पर BBK इलेक्ट्रॉनिक के अंडर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। वही देखेंगे इस वीडियो में कि 16K का जो डिफरेंस है वो कितना यहाँ पर जस्टिफाई करता है अपना OnePlus 11R और यहाँ पर जो Realme 11 Pro है वो इसके आगे यहाँ पर कितना टिक पाता है। सो बात करें दोनों के डिजाइन की, तो आपको जो Realme 11 Pro थोड़ा यहाँ पर फ्रेश लुक के साथ आता है, वीगन लेदर के साथ आता है और साथ में इसका डिजाइन यहाँ पर कुछ यूनिक है। और वहीं बात करें OnePlus 11R की, तो इसके अंदर आपको ग्लास बैक मिल जाती है, ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिजाइन है, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे यहाँ पर अब नया डिजाइन काफ़ी पसंद आ रहा है जो कि Realme 11 Pro का है, वीगन लेदर है और यहाँ पर न्यू टच दी गई है, गुच्ची के इसने यहाँ पर जो डिजाइन है उसके यहाँ पर डिजाइन किया, तो मतलब काफ़ी प्रीमियम ये फोन लगता ही नहीं कि 24,000 का फोन है, ऐसा लगेगा आपको 30,000 से 40,000 का अपने फोन यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इतना अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी में दोनों की आपको ऑलमोस्ट सेम सी मिलती है, साइड में देखोगे आपको दोनों में ही प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाएगा। सो बात यहाँ पर फीलिंग्स की, यहाँ पर दोनों फोन की जब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो फील सेम आती है, बट यहाँ पर जो 11 आ रहा थोड़ा यहाँ पर हैवी साइड है और Realme 11 पर यहाँ पर थोड़ा लाइटर साइड आ जाता है। सो हम करेंगे दोनों फोन के अंदर स्पीड टेस्ट, आपको बताएंगे कितना डिफरेंस आता है दोनों की परफॉर्मेंस में। आपको OnePlus 11 मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 जो काफी पावरफुल प्रोसेसर है, अंतु बेंचमार्क पर इसका 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है। तो वही बात करें यहाँ पर Realme 11 Pro की, तो इसमें मिल जाता है आपको बजट सेगमेंट का प्रोसेसर Dimensity का 7050, ये भी नया प्रोसेसर है, रिमाइंडेड 1080 है। दोनों के अंदर मिल जाती है आपको UFS की 3.1 स्पीड, दोनों यहाँ पर 8GB 128GB यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं। सो दोनों ही फोन के यहाँ पर मैंने सेम वॉलपेपर लगाया हुआ, डिफरेंस नहीं बता सकते देख के फोनों को कि कौन सा यहाँ पर कौन सा फोन है, OnePlus का कौन सा और Realme का कौन सा है, क्योंकि दोनों के यहाँ पर डिस्प्ले ना कर्व मिलती है 6.7 इंच की। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें जाता है आपको OnePlus के अंदर Oxygen OS 13 का सपोर्ट और Realme UI मिलता है Realme UI 4.0 और दोनों ही फोन आते हैं यहाँ पर हमारे Android वर्जन 13 के साथ। सो देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर फोनों में यहाँ पर 100% की बैटरी चार्ज है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है दोनों फोन्स के अंदर। अब देखते हैं स्पीड टेस्ट करके कि यहाँ पर कौन सा फोन कितनी बैटरी यहाँ पर ड्रॉप करता है। तो हम दोनों यहाँ पर कर लेते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड पर। एक और मेरे को यहाँ पर सेटिंग मिली थी जो Realme का न्यू है अपडेट है, इसके अंदर आपको यहाँ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, बट जबकि यहाँ पर OnePlus के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह कि जब भी यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस टास्क आएगा तो ऑटोमेटिकली ये हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देगा, जब भी इस यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसे ऑफ कर लेगा। अभी हम दोनों यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम स्पीड टेस्ट, तो 4.64 GB इसमें आपकी यहाँ पर Realme के लिए फ्री है और इसके अंदर आपकी 3.93 GB मतलब 4 GB करीब इसमें फ्री है। सो ये कुछ हमारी एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है दोनों को टेस्ट करने के लिए। इसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं कुछ हैवी टास्क ही परफॉर्म करेंगे, जैसे इसकी हम 4K रेटिंग करेंगे और अभी हम यहाँ पर दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं और हमारी जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर एग्जैक्ट सेम ही है। और बैटरी देख लो इसकी 100% हो गई, इसकी 99% है, तो यहाँ पर जो OnePlus से आ रहा है इसकी जो बैटरी का पैकअप है वो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने स्टार्ट करेंगे तो बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर ओपन किया है OnePlus 11R ने, इसका स्कोर देख लो भाई यहाँ पर 1 मिलियन यहाँ पर क्रॉस कर दिया, जबकि यहाँ पर Realme 11 Pro ने 5 लाख के कैमरा निकल के आया, ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगना आ गया है। और टेम्परेचर देख लो भाई यहाँ पर जो Realme 11 Pro है इसका थोड़ा हाई रहता है, देखो 37.3 डिग्री, और जबकि हम बात करें यहाँ पर OnePlus 11R की तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पर 2 डिग्री कम रहता है, इसमें 35 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। अब टेस्ट करते हैं इसका स्टोरेज टेस्ट। सो दोनों के अंदर मिल जाती है आपको UFS की 3.1 स्टोरेज, तो यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड आपकी दोनों की अच्छी होने वाली है। फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया Realme 11 Pro ने, जिसका स्कोर निकल का है 47,000 निकल गया है। वहीं बात करें OnePlus 11R की तो 1400 MB करीब इसकी रीड स्पीड है और 636 MB इसकी यहाँ पर राइट स्पीड है। अब करते हैं हम प्राइम वीडियोस को ओपन, देखते हैं कौन जल्दी ओपन करता है। तो OnePlus 11 यहाँ पर झट से ओपन कर दिया भाई, और प्ले स्टोर ओपन करते हैं। सो अभी ओपन हुआ हमारे Realme 11 Pro के अंदर। अब Gmail ओपन करते हैं, OnePlus 11R क्लॉक
वन प्लस इलेवन आर हॉट स्टार रियलमी आया इस टाइम फ्लिपकार्ट वन प्लस इलेवन आर एमेजोन रियलमी एमेजोन म्यूजिक रियलमी ने भाई बहुत जल्दी ओपन कर लिया। ये हमारा पावर डायरेक्टर है, इसके अंदर हम यहाँ पर करने वाले हैं 4K वीडियो रेंडर करेंगे, फिर देखेंगे हमारी कौन यहाँ पर जल्दी फास्ट रेंडर कर पाता है। सो ये हमारा टाइमर है, अभी हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। 4K वीडियो हमने यहाँ पर दोनों में डाली हुई है सेम, उसको ही हम 4K में रेंडर करेंगे और बिट रेट करेंगे हम यहाँ पर हाई क्वालिटी और हमारा 30 फ्रेम पर सेकंड दोनों में रहेगा। और इस यहाँ पर देख लो जो इसकी साइज़ आ रही है 179 MB, इसमें भी 179 MB। टाइमर को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो 13 सेकंड के अंदर वन प्लस के अंदर और 27 सेकंड के अंदर रियलमी के अंदर पूरी हो चुकी है रेंडर। करीब यहाँ पर हाफ टाइम के यहाँ पर डिफरेंस आया था दोनों ही फोन्स के अंदर। अब करते हैं इसको मिनिमाइज, इसको ही मिनिमाइज कर देते हैं। अब करते हैं इंस्टाग्राम ओपन, सो रियलमी। अब करते हैं COD ओपन, जो हमारा गेम है, देखते हैं कौन यहाँ पर जल्दी ओपन कर पाता है। सो वन प्लस ने यहाँ पर जल्दी ओपन कर लिया है। अब करते हैं लिंक्डइन को ओपन, सो वन प्लस ने आप ओपन किया जल्दी। अब करते हैं हम क्रोम को ओपन, इसके अंदर आप ओपन कर लेते हैं रियलमी की साइट। अब करते हैं हम यूट्यूब को ओपन, सो दोनों के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुआ है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, दोनों यहाँ पर 60 Hz पे सेट है और दोनों हमारे यहाँ पर 120 Hz मैंने मैनुअली सेट किया हुआ दोनों को। अब करते हैं जियो सिनेमा ओपन, सो वन प्लस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर तेज ओपन हुआ है। अब करते हैं फेसबुक, दोनों में यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर ओपन हुए हैं। अब करते हैं फोटोज, एग्जैक्ट सेम। कैमरा एप्लीकेशन वन प्लस में थोड़ी जल्दी ओपन हुई है। अब करते हैं रियलमी का स्टोर, सो दोनों भाई एग्जैक्ट सेम टाइम पर यहाँ पर ये ओपन हुआ है रियलमी का स्टोर। सो कह सकते हैं कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर जो वन प्लस थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट ओपन करा था और कहीं कहीं यहाँ पर रियलमी के 11 प्रो एप्लीकेशन को जल्दी फास्ट ओपन करा था। अब चेक कर लेते हैं इसका रैम मैनेजमेंट यहाँ पर कितनी तरीके से अच्छे वर्क करता है दोनों ही फोन्स के अंदर। सो अभी हम चलाते हैं इसके अंदर पहले क्या लास्ट वाली, अब खोलते हैं अंतु बेंचमार्क, देखते हैं कि लोड होता नहीं होता है। सो दोनों के अंदर यहाँ पर सेव है भाई, इसने देखो क्लोज कर दी सारी एप्लीकेशन अपनी। सो दोनों के अंदर यहाँ पर अभी रैम में अवेलेबल है। ये देखो इसने क्या करा भाई, मैं मिनिमाइज से हटाता हूँ तो बार बार अपनी जो है रैम के अंदर से क्लोज कर देता है एप्लीकेशन को। ये सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर किया है। और जबकि बात करें वन प्लस अपनी जितनी एप्लीकेशन है उन सबको यहाँ पर रैम के अंदर रख रहा है। देखो इसने क्लोज नहीं किया किसी एप्लीकेशन को, इंस्टाग्राम भी है देखो यहाँ पर, फोटोज भी है, रियलमी का स्टोर भी है। बट रियलमी के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें बस एक ही एप्लीकेशन है भाई, बाकी सब देखो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। सो करीब मैंने यहाँ पर 20 एप्लीकेशन यहाँ पर टेस्ट किया था आपके सामने और दिखा दिया कि रैम मैनेजमेंट यहाँ पर वन प्लस का ज़्यादा अच्छा है। सो बैटरी आप देख लो यहाँ पर जो वन प्लस है उसके अंदर 96% है और यहाँ पर रियलमी 11 प्रो के अंदर 95% है। अब करते हैं भाई इसके अंदर हम डिस्प्ले टेस्ट, तो देखते हैं कि दोनों में जो डिस्प्ले है ना वो किसकी ज़्यादा अच्छी है। दोनों में यहाँ पर मिल जाती है 6.7 इंच की आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलती है वन प्लस के अंदर भी और रियलमी के अंदर भी। तो 39 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है इसका वन प्लस का और इसका 40.7 डिग्री टेम्परेचर इसका रियलमी 11 प्रो का। सो गाइस दोनों के अंदर हम 4K वीडियो चलाएंगे क्योंकि दोनों फोन यहाँ पर सपोर्ट कर लेते हैं 4K वीडियो और कोई भी लैग नहीं आता है 4K वीडियो में, चाहे आपका रियलमी हो चाहे फिर आपका वन प्लस हो। लैग आता है वो आता है भाई 4K HDR वीडियो के अंदर। वन प्लस का 11 आ रहा है, इसमें आपको 1450 Hz की आपको पीक बैटरी देखने मिलती है और वहीं बात करें रियलमी के अंदर आपको 950 Hz की पीक ब्राइटनेस है। ये फुल कर लिया हमने रियलमी की ब्राइटनेस और हम वन प्लस की भी अब फुल कर लेंगे। सो आपके सामने यहाँ पर दोनों ही फोन मैंने चला दिए 4K वीडियो में, अब क्वालिटी चेक कर लो किसमें ज़्यादा आ रही है। जो मुझे आंखों से डिफरेंस लग रहा है वो भाई इसके कलर्स के अंदर, जो रियलमी के जो कलर्स हैं थोड़े पंची निकल के आ रहे हैं और थोड़ी जहाँ पर जो डिस्प्ले है थोड़ी वाइब्रेंट लग रही है। वहीं बात करें वन प्लस की तो यहाँ पर थोड़े नेचुरल साइड कलर्स हैं, साथ में जो डिस्प्ले है वो थोड़ी कम यहाँ पर वायरमेंट है एज कम्पेयर टू बात की है रियलमी के। रियलमी के अंदर जो कलर्स हैं ना काफ़ी पंचे निकल के आ रहे हैं, देखो आपके सामने ही सब कुछ। सो दोनों के अंदर आप 4K वीडियोस काफ़ी अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा 4K वीडियोस वॉच करने के लिए। सो दोनों फ़ोन आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अगर आप वीडियोस के लिए फ़ोन ले रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो आप यहाँ पर रियलमी 11 प्रो में जा सकते हैं, आपके पैसे ही बचेंगे और आपका जो एंटरटेनमेंट है ना वो भी काफ़ी अच्छा होगा।
और डिस्प्ले देख लो भाई किस ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है आपको। और जो दोनों के अंदर की स्पीकर्स की बात करें, दोनों फोन यहाँ पर सपोर्ट करते हैं अपने डॉल्बी एटमॉस को, और दोनों आपका डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटम मिल जाते हैं दोनों को स्पीकर, और टॉप में आपके यहाँ पर स्पीकर दिए हुए हैं। डिज़ाइन सेम है, तो भाई स्पीकर की जो क्वालिटी है ना वो भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। और लाउडनेस अगर मैं आपको चेक कराता हूँ कितनी लाउड स्पीकर है, पहले हम चलाएंगे वन प्लस 11R के अंदर और फिर चलाएंगे हम रियलमी 11 प्रो में। ये कल हमने 4K में सेट इसको। आपको रियल एक्सपीरियंस होता है वन प्लस 11R के अंदर जो स्पीकर क्वालिटी थोड़ी लाउड है एज कम्पेयर टू बात करें रियलमी के 11 प्रो से, तो जो एक म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वन प्लस के अंदर थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। और दोनों के अंदर भाई एक डिफरेंस और दिखाऊं तो आपके यहाँ पर जो 4K HDR वीडियो है ना आप दोनों में प्ले करेंगे तो वन प्लस के अंदर भाई काफ़ी स्मूथली प्ले होती है बिना किसी रुके टुके, काफ़ी स्मूथली एकदम जैसे मक्खन चली वैसे चलेगी और कभी आपका UI लैग नहीं होगा। वहीं बात करें हम रियलमी 11 प्रो की तो उसके अंदर आपको जो 4K HDR वीडियो चलाएंगे आप तो उसमें आपको जिटर और लैग देखने मिलेगा, तो 4K HDR वीडियो यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है रियलमी के 11 प्रो। ताकि वन प्लस 11R के अंदर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई भी एड्स नहीं है और सिस्टम भाई पूरा क्लीन है और कई फास्ट यहाँ पर वर्क करता है। वहीं बात करें हम रियलमी UI की तो इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको एड्स देखने मिलते हैं, करीब मैंने यहाँ पर इसको आधे से एक घंटा करीब इसकी एड रिमूव करे थे भाई और जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको डिसेबल किया था। उसके बावजूद यहाँ पर थोड़े बहुत जैसे सॉफ्टवेयर जैसे कि गेम सेंटर ये बंद नहीं होगा, कुछ यहाँ पर डबल मैसेजेस आ रहे हैं देख लो, और कुछ यहाँ पर ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पर एप्लीकेशन है जो यहाँ पर डिसेबल नहीं होती है, ऐप मार्केट देख लो ये भी यहाँ पर डिसेबल नहीं हुआ है। अगर ऑफ कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पर स्मूथली चला सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर कि वन प्लस में आपको 16,000 रुपये एक्स्ट्रा देखने को क्या मिल जाता है, फर्स्ट है भाई इसका अलर्ट स्लाइडर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका यूनिक फीचर है, कोई नहीं है रियलमी 11 प्रो में ऐसा, कोई आपको बटन नहीं दिया गया ना ही कोई स्लाइडर है। सेकंड ऑप्शन भाई इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देख लो, दोनों के अंदर आपको सेम ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है बट जो स्पीड है ना वन प्लस की थोड़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू बात करें रियलमी के 11 प्रो से। देखो यहाँ पर सामने ओपन करूँगा अभी तो वन प्लस यहाँ पर जल्दी ओपन होता है, तो ये कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है भाई इसके यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल की वजह से यहाँ पर फोन लेते हैं भाई इतने जब पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको कैमरा भी अच्छा मिलना चाहिए, तो वन प्लस के यहाँ पर कैमरे में भाई काफ़ी तगड़ा यहाँ पर सेंसर दिया गया है, सोनी का मिल जाता है 890 का सेंसर जो कि आपकी 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो को सपोर्ट करता है। वहीं बात करें रियलमी के अंदर तो आपको OIS मिल जाता है, 4K वीडियो मिल जाती है बट इसका OIS यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है 4K वीडियो में हो या फिर इसका फुल HD हो। वहीं बात करें वन प्लस के अंदर आपका OIS हर जगह काम करेगा, काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा, एकदम आपको सैमसंग और iPhone लेवल की आपको इंस्टॉलेशन देखने को मिलने वाली है इसकी वीडियोज़ के अंदर। और नेक्स्ट भाई इसके अंदर प्रोसेसर पर काफ़ी तगड़ा मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8 Plus Gen 1 जो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, आप एडिटिंग करोगे ना उसमें अपने यहाँ पर आधा टाइम कम लगने वाला है वन प्लस 11R में, आपका 1 मिलियन भाई इसने स्कोर टच कर दिया। वहीं बात करें रियलमी के अंदर जिसने 5 लाख टच किया है इसने बट इसका भी डिसेंट है, मतलब आपका काम चल जाएगा अगर चलाना चाहे तो। और थोड़ा जो डिफरेंस आया था भाई वो इसके स्पीकर क्वालिटी में, थोड़े लाउड स्पीकर है वन प्लस 11R के अंदर और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर वन प्लस 11 में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, नो ब्लॉटवेयर नो एड्स, काफ़ी क्लीन और काफ़ी फास्ट आपको यूजर एक्सपीरियंस देने को मिलता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है भाई वो इसकी चार्जिंग के अंदर, दोनों के अंदर मिल जाता है आपको 5000 mAh बैटरी बट जो यहाँ पर आपका रियलमी 11 प्रो है यहाँ पर टाइम लेता है 55 मिनट्स करीब इसने यहाँ पर ले लेता है 0 से 100% चार्ज करने में, और इसके यहाँ पर आता है 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं बात करें हम वन प्लस के अंदर आपके यहाँ पर ये चार्ज मिलता है देखो, ईंट मिलती है पूरी 100W की, 28 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज कर देती है। सो गाइस ये दोनों आपको डिफरेंस देखने मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, आपको कैसा लगे आप मुझे बता सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी को बजट के अंदर वन प्लस 11 का एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर रियलमी 11 प्रो की तरफ जा सकते हैं, आपको यहाँ पर सेम यूज़र एक्सपीरियंस मिलने वाला है, सेम UI है इसका, साथ में जो डिस्प्ले भाई वो भी आपको कर्व देखने मिलेगी सेम साइज़ की है और सेम बैटरी लाइफ मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना दोनों का सेम देखने मिलता है। अभी देख लो 93% इसकी यहाँ पर बैटरी बची हुई है वन प्लस 11R में, और वहीं बात करें रियलमी 11 प्रो के अंदर 92% है। अपने बजट के हिसाब से भाई अपना रियलमी 11 प्रो काफ़ी अच्छा है, और वहीं बात करें वन प्लस 11R की तो भाई एक ऑलराउंडर फ़ोन है, 40,000 के अंदर ऐसा कोई फ़ोन नहीं है भाई इसको बीट कर सके, अब भी भाई ये राजा बना हुआ है 40,000 की रेंज में। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हम कंपेयर करेंगे रियलमी के 11 प्रो को वर्सेस लावाग्नि 2 के साथ और देखेंगे कि दोनों में से हमारा कौन सा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाता है फोन परफॉर्मेंस में और साथ में उसके बैटरी बैकअप में कौन सा यहाँ पर अच्छा निकल पाता है। सो गाइस आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं ऐसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू अगेन।